हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंग चांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं एक नया प्रोडक्ट सुथल लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आप इस नाम से बहुत ज़्यादा परिचित है मैं आशा रखूँगा। देखिए, ये बोरोलिन का सुथल है, आप सब जानते होंगे, टीवी में आपने देखा और शॉप में भी आप देखा, जब मार्केट जाते हैं, जो ग्रोसरी शॉप में आप देखा। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसके कुछ प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा। क्योंकि मैं ये जो सुथल है बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब से ये स्टार्ट हुआ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वही ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो प्रोडक्ट है, मैं इसका इस प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल कोई कंपनी से पैसा नहीं लेता। आपके जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट से ही मैं ये चैनल चलाता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका क्या क्या लिखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको सब बताऊंगा, ये अच्छा है कि ख़राब है। देखिए, ये बोरोलिन्स का सुथल है, सुथल और सुथल भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग सुथल और सुथल भी कह सकते हैं। स्किन हाइजीन लिक्विड एंटीसेप्टिक न्यू पैक, और इसमें है नीम फ्लेवर में है, ये फ्लेवर नीम फ्लेवर में है। देखिए, ये देखने में ऐसा है और इसमें ऐसा है। हम ये यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? आफ्टर शेव, शेव होने के बाद मैं हमारा जो स्किन में यूज़ करते हैं, और किसी किसी समय जब विंटर सीजन में जो घाम होता है अंडर आर्म्स, जैसे कि अंडर आर्म्स और जो नेक के साइड में, उस साइड में हम ये सुथल यूज़ करते हैं। कभी कभी हर समय नहीं, कभी कभी यूज़ करते हैं। और जो कभी कभी इचिंग होता है, वो इचिंग के लिए के भी मैं ये यूज़ करता हूँ। नॉर्मल इचिंग, जो ज़्यादा जो इंसेक्ट बाइट होता है वो सब बाइट के लिए नहीं, जो नॉर्मल इच होता है, इचिंग मतलब जो मच्छर काटे वो वाला इचिंग नहीं है, जो ऐसे ही इच होता है, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट काट दे, उस इंसेक्ट से ये यूज़ करे तो अच्छा है। अगर आपको कोई एंट काट दे, मच्छर काट दे, वो जो इचिंग होता है, खुजली होता है, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। और आपको कोई एक्जिमा हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये किसके लिए अच्छा है? फॉर होल फैमिली सुथल, ऑल्सो ट्राई सुथल फ्रेश, सुथल चंदन, अदर पैक स्प्रे जेल, नो इचेस, नो रैश, नो प्रिकली हीट। आप विंटर सीजन में भी आप यूज़ कर पाएंगे। सोने के पहले आप अगर यूज़ करें सोने के पहले अंडर आर्म्स और नेक्स के जो गला है, जो चेस्ट है, गला है, कोई मेन अगर यूज़ करे, लड़का लोग यूज़ करे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर मैरिड पर्सन हो तो आप अगर अपने पत्नी के साथ सोना चाहते हैं और कभी कभी अपने अंडर आर्म्स और नेक से जो बदबू आता है, बैड ब्रीथ आता है, वो ये लिक्विड यूज़ करने से चला जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको कहा। तो कभी कभी पानी में ये गुलाकार भी आप नहाने के समय यूज़ कर सकते हैं, नहाने के बाद यूज़ करें। और ये जो सुथल है, बहुत सारे सैलून में आप यू कैन सी दिस सुथल, सैलून में आजकल बहुत चल रहा है ये सुथल, ये बहुत ही उपयोगी ये कमोडिटीज है। और इसके ये पैक किया हुआ है 2019 में, अभी 2021 चल रहा है, अभी मंथ है दिसंबर।
तो ये एक्सपायरी होगा 4/2020, और कुछ मंथ बाकी है। इसका दाम है 40 रुपये, और इसका बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई कांट रीड। इतना छोटा छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा इसको, इसलिए मैं आपको नहीं बोल पाऊँगा। आई कैन नॉट से और आई कैन नॉट आई कैंट एक्सप्लेन बिकॉज द ऑल लेटर्स आर वेरी टाइनी। इसमें लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज़ लिखा है, इस पर बार कोड भी है फॉर एवरी डेज यूज़। और आप अगर इसको खोले तो इसका जो अंदर लिक्विड है वो बहुत ही अच्छा है, इसका सुगंध भी बहुत ही अच्छा है। आपको अगर मैंने जो जो कहा वो जो अगर आपको आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये प्रोडक्ट अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि ये बोरोलिंस का है। बोरोलिंस का जितना सारा प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छा है इस बोरोलिंस का प्रोडक्ट्स। और आप अगर ये रख दे और बीच बीच में आप यूज़ करें तो ये 6 मंथ आपको चल जाएगा। और ज़्यादा जो बड़ा जो जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अगर बहुत बड़ा पैक ले तो उसके लिए वो बड़ा पैक अच्छा है, और जो मेरे लिए ये छोटा पैक ही अच्छा है, क्योंकि ये 2 साल मेरा लग जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर बहुत साफ़ सुथरा है, इतना गंदगी भी नहीं है, और मेरे शरीर से इतना बदबू नहीं आता है, इसलिए मैं एक प्रोडक्ट 3 साल चल जाता है। इसलिए अभी 2021 लास्ट ईयर चल रहा है दिसंबर, और अभी मैंने ये 2019 में किया, और मुझे नहीं लगता ये 2020 में ये ख़त्म होने वाला है, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो ये था, इस वीडियो में मैंने इसका थोड़ा प्रोडक्ट रिव्यू कर दिया, देखने में कैसा है, मैंने ये भी आपने देख लिया। आप एक बार इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।